আমি তো খুব বেশি করি 10 টাকা দুবার 10 টাকা করি তো বেশি লেই দি ছোট হাতে দিই इसको देखो सब्सक्राइब बटन जैसा है, जल्द से जल्द क्लिक हो जाना चाहिए सब्सक्राइब बटन में, कैसे ही पता नहीं। ये देखो बेल आइकन जैसा है, इसको बेल पे टिंग हो जाना है, क्लिक हो जाना है, तभी मजा आएगा वीडियो बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजा है 7 बजा नहीं है, सो मैं उठी हूँ 5:30 बजे और मैं गांव में हूँ। आपको पता है मैं गांव आई हूँ, सो गांव आई हूँ, थर्सडे पहुँची हूँ, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई। आपको पता है गांव में कितना सारा मतलब प्रॉब्लम होता है। सो फाइनली आज है सैटरडे और ब्लॉग बना रही हूँ आज। सोचा ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ 2-3 दिन से। सो आपने देखा मेरे घर वाले, सो मॉर्निंग मॉर्निंग सब्जी वाला आया है और सब्जी खरीद रहे हैं। सो इतना बड़ा बड़ा तो सब्जी लिया है और घर का कुछ भी काम नहीं है। काम नहीं हुआ है क्योंकि पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक जगह पे पानी आता है, वो गवर्नमेंट से पानी आता है, मतलब ऐसे ही एक टाइमिंग होता है मॉर्निंग का और शाम में पानी आता है। सो उसी पानी में हम यूज़ करते हैं, तो अभी अभी आया है और बर्तन सभी ऐसे ही पड़ा है, धोया नहीं है, तो अभी धोना है। ये देखिए, ये ऐसे सिस्टम है, तो पानी अभी आना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही एक बड़ा वाला यहाँ पे कढ़ाई रखा है, तो उसी में पानी भरते हैं हम। सो गाइस, आज का ब्लॉग है मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मेरे विलेज में बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मेरा विलेज का लाइफस्टाइल कैसा है। सो ये देखिए, मेरा ऐसे ही विलेज है, तो आज का लाइफस्टाइल है, मैं दिखाऊंगी मेरा विलेज का कैसा है। सो आप देखते रहिए। और ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, घर का काम ही नहीं हुआ, तो घर का काम फिनिश करना है, फिर ब्रेकफास्ट बाद में होगा। और हमारे घर पे एक बात बताना है कि 13 लोग या 12 लोग, मैंने काउंट नहीं किया है, एक साथ रहते हैं। सो इतने लोग एक साथ रहना, और फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं था, फिर भी बना रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए। सो चलिए, आप देखते रहिए और ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइस, मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और मेरी हालत देखिए, मैं यहाँ पे आती हूँ तो कॉम्ब भी नहीं करती हूँ, इतना गर्मी हो रखा है। और आपने देखा मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, राइस पफ खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर राइस पफ ही खाते हैं, नहीं तो वाटर राइस खाते हैं। सो मैं वही खा रही हूँ, अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है शायद 9 o'clock हो चुका है, और फिर खाना वाना बनेगा। सो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है यहाँ पे, मैं तो पसीना से भीग जाती हूँ पूरा। सो गाइस, मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, तो आप देखते रहिए। सो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि खाना बनेगा अभी, और खाना बनाने के लिए सब्जी कट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही खाना बनता है। सो मैं सब्जी कट करने के लिए बैठ गई हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसे ही कट करती हूँ जैसे मैं वहाँ पे कट करती थी, और सब्जी मैं ही कट करूँगी। और अभी आ गए मेरे एक और एक जेठानी, तो भी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, तो वो भी कट करेंगे और हम दोनों मिलके कट करेंगे, और हम दोनों खाना नहीं बनाएंगे। मेरे और एक जेठानी है तो वो खाना बनाएंगे, वही बनाते हैं और हम लोग थोड़ा हेल्प करके देते हैं, जैसे सब्जी वगैरह मसाला वो सब हम ही करके देते हैं और वो बनाते हैं खाना। तो मैं दिखाऊंगी इसके बाद कौन खाना बनाते हैं। तो अभी हम बहुत सारे आइटम होगा, शायद 4-5 होगा, तो उसके लिए बहुत सारा
सब्जी चाहिए तो उसके लिए और बहुत सारे लोगों को एक साथ बनता है, तो ज़्यादातर मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी कट करना पड़ता है, तो इसीलिए एक ही जन बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दोनों बैठेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाता है, इसीलिए हम दोनों बैठ गए सब्जी कट करने के लिए। और हमारे घर पे बनता है ओनली शाकाहारी, तो नॉन वेज तो कभी बनता नहीं, ओनली शाकाहारी जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है, तो वेज ही बनता है और सभी वेज ही खाते हैं। तो चलिए आप देखते रहिए और हम सब्जी कट करने के लिए मतलब ख़त्म करते हैं इसको, और उसके बाद खाना बनेगा। तो खाना बनाने के लिए मेरे जेठानी बैठ गए हैं ऑलरेडी, सो ये है खाना बनाते हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही कट करके देते हैं और वो खाना बनाते हैं। तो देखिए कैसे चूल्हे में बन रहा है, और ये देसी स्टाइल है, हमारे घर पर ऐसे ही बनता है, बहुत सारा आइटम बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और अभी बजा है 4:15 बाकी है, मतलब 4:15 हो चुका है। सो दोपहर तक मैं ब्लॉग बनाई थी, जो मैंने बनाया था वो आप लोगों को दिखाया, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सडनली मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलने के लिए जस्ट बात कर रही हूँ, आप लोगों से इन्फॉर्म देने करने के लिए कि क्या हुआ क्यों नहीं बना पाई, तो जितना बना पाई उसी को मैं एडिट करूँगी और करके अपलोड करूँगी। गाइस प्लीज़, मैं अभी गांव आई हूँ, विलेज आई हूँ, सो यहाँ पे एक तो जॉइंट फैमिली होता है, 12-13 लोग एक साथ रहते हैं ना, तो आपके हिसाब से काम नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ देना, पास रहना यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए, क्योंकि मैं फिर जाके वहाँ पे वापस जाके मैं कंटिन्यू करूँगी और अच्छा अच्छा ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी, तब तक आप मेरा साथ दीजिए प्लीज़। सो आज का ब्लॉग इतना ही, और फिर मिलूँगी, ट्राई करूँगी और एक ब्लॉग बनाने के लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल दबाना। सो गाइस, बाय बाय।